नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां मऊगंज प्राथमिक गुरु नवीन प्राथमिक शिक्षक संघ मऊगंज द्वारा रविवार को समय 12 बजे दिन में सीएम राइस शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज के प्रांगण में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं अध्यक्षता राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने किया, जिनका गुरुजी शिक्षक संघ संयोजक नीलेश सिंह और संघ के पदाधिकारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुरारी लाल सोनी, नेता राज्य कर्मचारी संघ भोपाल कृष्णा राज सिंह, उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ रीवा बलराम पवार, शिक्षक संघ सहयोगी एवं संयोजक सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में मऊगंज SDM AP द्विवेदी, SDOP नवीन दुबे, संयोजक नीलेश सिंह चौहान, गुरु नवीन प्राथमिक शिक्षक संघ रीवा के जिला अध्यक्ष व जिला सचिव सिद्धनाथ पटेल सहित जिले भर से गुरुजी नवीन शिक्षक संघ मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी सुविधा में मैं अभी गया था, दो चार महीना पहले, पांच महीना पहले धार में था, बिना कलेक्टर बिना SP को बताए कि स्कूल में घुस गया, अचानक चला गया स्कूल में। तो अब तब तक कलेक्टर कमिश्नर को पता चली कि स्पीकर साहब स्कूल, तो वो भी सब जल्दी जल्दी आए, स्कूल पहुंचे। मैं देख करके दंग रह गया उस स्कूल को। छोटे छोटे बच्चे, दूसरी के, तीसरी के। मैंने पूछा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, तीसरी की बच्ची खड़ी हुई माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये उसके उत्तर थे। और मैंने कई जगह कोट किया, मैं जब साइकिल यात्रा से निकला तो खटखरी में चला गया, खटखरी मेरे क्षेत्र में पड़ती है स्कूल, तो वहां घुस गया। साइकिल यात्रा में था स्कूल में चला गया, वहां भी एक 8वीं बच्ची से बुलाकर पूछा कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, सिर्फ ये सवाल किया। तो सवाल में वो जैसे लैना को मरोड़ देते हो, 14 बार उस तरह से किया। जवाब देने तो दूर, उसका शरीर ही ठीक से नहीं खड़ा हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको कॉन्फिडेंट नहीं किया, हमने उसको मानसिक तौर पर मजबूत नहीं किया, बौद्धिक स्तर पर हमने उसको ठीक नहीं किया। और इसीलिए गुरुजी, मैं आपसे कहता हूं, हम शिक्षक बन गए ना, गुरुजी के रूप में आए हो, शिक्षाकर्मी के रूप में आए हो, किसी तरह से आए हो, हम शिक्षक हैं। आज शिक्षा की जरूरत कम है, आज विद्या की जरूरत है। शिक्षा विद्या दोनों से ज्ञान प्राप्त होता है, दोनों प्राप्त होता है, शिक्षा से भी ज्ञान मिलता है और विद्या से भी ज्ञान मिलता है। पर विद्या का अर्थ है कि हमारे संस्कार परंपरा से युक्त हमारी जो शिक्षा है वो विद्या कहलाती है। हम भूल गए उसको, उसका परिणाम क्या निकला। कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि वो 10वीं की परीक्षा हो रही है और लड़का निकला बाहर, तो आकर के चौराहे में गुरु जी को चाकू मारा, क्या हो गया। आज हम लोग जिस पड़ाव पर है, हमें भी पढ़ाया है, हमारे गुरुजियों ने पढ़ाया।